जामुन बनाने के लिए सबसे पहले खोया, पनीर, मैदा, पीसी चीनी और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स करके एक डो रेडी करना है। अगर हमें ज़रूरत लगे तो हम थोड़ा सा दूध या पानी का इस्तेमाल भी करेंगे। स्टफिंग के लिए मावा, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और केसर को अच्छे से मिक्स करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। मावे का छोटा सा मिक्सचर लेकर इसे हाथ में इस तरह से फ्लैट करके इसके अंदर स्टफिंग का बॉल्स रख के इसे अच्छे से पैक करके गोल आकार देना है। इस तरह से सारे बॉल्स हमें रेडी करके रखने हैं। घी को मीडियम गरम करके इसमें हम धीरे से एक एक करके बॉल डालेंगे और इसे सतत चलाते हुए इस तरह से हम डीप फ्राई करेंगे। जब इसका कलर अच्छे से डार्क ब्राउन आ जाए तब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। चाशनी के लिए 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी मिक्स करके इसे गर्म करने रखना है। जब इसमें 1 से 2 उबाल आ जाए और चाशनी थोड़ी थिक हो जाए तब हम इसे गैस बंद कर देंगे। चाशनी को थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें काला जामुन बॉल्स डालेंगे और इसे ढककर 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। अब जामुन को चाशनी में से निकाल कर इसे खोपरे के बूरे में कोट करेंगे। रबड़ी के लिए हमें दूध को उबलने रखना है। जब इसमें उबाल आ जाए तब हम गैस सिम करके और इस तरह से मलाई को साइड में करते हुए इसे आधे से भी कम होने तक पकाएंगे। अब हमें इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे और इसमें इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। रबड़ी मूस बनाने के लिए रबड़ी को थोड़ा सा गर्म करके इसमें व्हाइट चॉकलेट डालकर इसे मिक्स करके गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे एक बॉल में निकालकर इसमें व्हिप्ड क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा रबड़ी मूस रेडी है। रेड वेलवेट चूरोस बाउल बनाने के लिए मैदा और कोको पाउडर को हम एक साथ छान लेंगे। अब पानी गर्म करके इसमें नमक, चीनी, बटर और रेड फूड कलर डालकर इसे उबलने रखना है। इसमें 1 से 2 उबाल आने के बाद हम इसमें मैदा को धीरे धीरे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इसका एक डो रेडी हो जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसे अच्छे से मसल कर इसे स्टार नोजल वाले पाइपिंग बैग में डालेंगे। अब इसे ग्रीस की हुई कटोरी के ऊपर इस तरह से बाउल का शेप बनाएंगे। इस तरह से सारे बाउल हमें रेडी करने हैं और इसे मीडियम गरम तेल में इस तरह से डीप फ्राई करना है। इस तरह से बीच में से कटोरी को हटाकर हमें अंदर से भी अच्छे से फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाए तब हम इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देंगे। हमें पीसी हुई चीनी और दालचीनी पाउडर को एक साथ मिक्स करना है और इसे हमारे तले हुए चूरस बाउल के ऊपर स्प्रिंकल करना है। कैरेमल रिंग बनाने के लिए हमें चीनी को इस तरह से कैरेमलाइज करना है। अब हमें इस तरह से ग्रीस किए हुए ग्लास के ऊपर धीरे से इस तरह से रिंग तैयार करनी है। ठंडा होने के बाद हमें इस तरह से धीरे से निकालना है। असेंबल करने के लिए चूरोस बाउल में पहले रबड़ी मूस, फिर जामुन और फिर से रबड़ी मूस डालकर इसे अच्छे से कवर करना है और ऊपर से पिस्ता फ्लेक्स डालकर इसे गार्निश करना है। लास्ट में इसके ऊपर कैरेमल रिंग और चेरी रखनी है। हमारा सरप्राइज काला जामुन डिलाइट रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।